अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सारे दोस्त। उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे बिल्कुल खैरियत से, फिट फाट होंगे। हाजिर हूं जी एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आएगी। फ्रेंड, जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था, मेरी जो मुर्गी है उसने 3 चूज़े निकाले हैं अंडों में से, बाकी के अंडों का रोला ही है और अभी तक रोला है। तो कुछ दोस्तों ने कॉमेंट करके कहा था कि यार बाज़ार से चूज़े लेके आए, तो वो इसके नीचे लगाएं। तो आज की वीडियो में बाज़ार से चूज़े भी लाने हैं और इसके नीचे भी लगाने हैं इंशाल्लाह। वो वीडियो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं और चलो जी वीडियो स्टार्ट करते हैं, आज की रूटीन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जी परिंदों वाले सेक्शन में आया हूँ, तो हमारे ये जो छोटे चूज़े हैं 5, 6 जो है आज सुबह वो भी मर गया, तो ये बाहर निकले हुए थे। चलो अच्छी बात है, इन सारों का इत्तेफाक हो गया, अब लड़ेंगे नहीं जी। तो फ्रेंड, सेटअप पे आने के बाद सारे परिंदे सारे जानवर देख लिए हैं, तो अब जाते हैं चूज़ों की तरफ। जल्दी से चूज़े लेके आते हैं और फिर चूज़ों से ही वीडियो का आगाज़। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या, ये वेफर ले आए तो बिस्कुट ले आए? सब चूज़े लेके आए हैं, चूज़े। अच्छा, हाँ उस मुर्गी के साथ लगाने हैं। अच्छा, तो वो लेके आए। गुल भाई जरा चेक करें कैसे हैं। अच्छे यार, जबरदस्त। हाँ चले हैं, बस इनको ना उस मुर्गी के नीचे रखते हैं, देखते हैं वो इनको एक्सेप्ट करती है या नहीं। आप क्या कहते हैं? मुझे तो लगता है कि नहीं। अच्छा, तरीके से रखते हैं ना जी। चलिए अच्छी बात है, तरीके से रख ले और एक्सेप्ट कर लिया है सब। चले जी, ये भी रखने का मौका इसलिए है। एक तो ज्ञान, ओहो ये दो एक ही कलर के आ गए। ये काफी तेज फेर रहा था तो आपने इसलिए इसको उठा दिया। चलें जी माशाल्लाह से, अभी तक तो कुछ नहीं का। चलें जी, सारे चूज़ों को मुर्गी के साथ लगा दिया जी, और इसने अभी तक तो कुछ नहीं का। मुझे उम्मीद है कि आगे भी कुछ नहीं कहेगी इनको। अब ये उठेगी तो पता लगेगा क्या करती है क्या नहीं करती। अल्लाह खैर करेगा। चलें जी, मुर्गी आ गई है बाहर, चूज़ों को भी बाहर बुला रही है। अब देखते नए वाले चूज़े इसके बुलाने पे आ गए हैं। यार ये जो पिंक वाला है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये मेरी वजह से किया यार। वो अंडों वाले भाई अगर देख रहे हैं ना, जिन्होंने हीरे के अंडे दिए थे मुझे, हीरे मुर्गे के, तो पैसे तो वो कम नहीं कर रहे थे इस तरह, जिस तरह पता नहीं क्या वो मुझे बेच रहे हैं। और ये अंडे सारे अनफर्टाइल हैं। अगर ये फर्टाइल होते जिस तरह ये 3 बच्चे निकल रहे हैं ना, उसी तरह सारों में से बच्चे निकलने थे। बहरहाल मैं तो उस टाइम भी उनको यही कह रहा था। 3 चूज़े जी बाहर आ चुके हैं जी माशाल्लाह से, चौथा माघ हो। अच्छा, इस वाले चूज़े जो हैं ना वो छोटे हैं और हमारी वाली मुर्गी के चूज़े बड़े हैं। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हमारी वाली मुर्गी के चूज़े छोटे हैं और जो बाहर से आए वो बड़े हैं। ये मशीन से निकले हुए हैं वो उसने। शेवर के अंडे भी बड़े होते हैं ना, और ये मशीन से निकले हुए। हाँ वो देख, अंदर ही खाई जा रहे हैं कुछ। और दूसरी बात ये, शायद ये कुछ 6 दिनों के होंगे। हाँ ये भी हो सकता है। हमारे मुर्गी के बच्चे तो अभी 2 दिन के होंगे। आज दूसरे दिन के। यार ये देखो ना, ये बाहर क्यों नहीं आ रहे, इनको पकड़ के निकाल दूं। जी तो फ्रेंड्स, अभी चूज़ों को इसके साथ छोड़ दिया है, लेकिन कमरे में इतनी जगह नहीं है। मैंने सोचा क्यों ना उसी जगह पे कर देते हैं जहाँ पे बाकी और परिंदे भी हैं। चले आए गुल भाई,
अल्लाह का नाम लेके छोड़ते हैं इधर, देखते हैं कि क्या बनता है। चलें जी, मुर्गी को भी इधर छोड़ दिया और चूज़ों को भी छोड़ दिया। वो दूसरे चूज़े देखे पीछे, वो भी देख रहे हैं। ये हमारी ग्विनी फॉल, ये मार खाने के चक्कर में आगे पीछे घूम रही है। अच्छा, तीन जो अपने चूज़े हैं वो तो इसने बहुत अच्छे तरीके से साथ 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 ही रखे हुए, लेकिन जो बाजारी चूज़े हैं उनकी इतनी ये केयर नहीं कर रही, उनकी यानी कि इतनी टेंशन भी नहीं ले रही और फिक्र भी नहीं कर रही। ये देखिए, ये इधर इन्होंने लादा से बनाया हुआ गैंग और इसके बच्चे लादा। वो भी अंदर आने की कोशिश कर रहा है। ये ले, ये मुर्गी के लिए आया। क्या बनेगा इनका? चलिए, ये अच्छी बात है, छोटे चूजों को कुछ भी नहीं कह रहे। और छोटे चूजों से याद आया, वो हमारा छोटा रैबिट, वो देखिए उधर मिट्टी में बैठा हुआ आराम सुकून से, इधर से जगह खाली की हुई है। पिजन्स का शौक करें दोस्तों। शाबाश, इसके तीन चूजे बहुत ही ज्यादा छोटे हैं। और अब मुझे लग रहा है बाजारी चूजे मैं वैसे ही फजूल में ले आया हूँ, क्योंकि बाजारी चूजों में सिर्फ ऑरेंज वाला चूजा है जो मुर्गी के साथ साथ ही रहता है, उसके अलावा बाकी जो चार हैं वो अलहदा अपनी जगह भी रहते हैं। गुल भाई क्या कहते हैं, साथ लगा लिया मुर्गी ने? लगा तो लिया, लेकिन वो भी साथ जा नहीं रहे हैं, साथ फिर नहीं रहे। यही रोल है। पहले तो मैं सोच रहा था वो मारेंगे, लेकिन मारती तो नहीं है, लेकिन साथ को फिर नहीं रहे। सिर्फ वो देखे, वो ऑरेंज कलर वाला, बस सिर्फ वही साथ। हाँ, ऑरेंज वाला ही साथ था, बाकी तो सारे अपने उन्होंने टोली बनाई हुई है जी। अच्छा, वो दूसरे किधर गए काले वाले? वो बाहर निकल गए। वो बाहर है, उधर उस कोने से निकल गए। सारे बाहर निकले मेरे ख्याल से। दूसरे वाले भी दिखाते हैं ये आपको, ये देखेंगे। ये हमारे पांच चूजे अलग हैं, दो गंजे वाले, तीन आयाम समानी के, और वो छोटे वाला भी चूजा मर गया आज सुबह। चलें जी, अब रैबिट्स के बच्चे दिखाते हैं आपको, वो कितने कितने हो गए। रैबिट फीमेल बाहर ही बैठी हुई है, अब मुझे देखेगी तो अंदर भागेगी। माशाल्लाह से यहाँ ऊपर से ही दो नजर आ रहे हैं। चेक करें जी, एक है, ये तो दो ही है, तीसरा ऊन के अंदर है ये। चले, तीसरा ऊन के अंदर लपेटा हुआ, सही तरह नजर ही नहीं आ रहा। और इनकी माँ भी अंदर आ चुकी है जी। इसकी आंखें देखें जी, ये चले अब देखें, ये लें जी रेड आईज। अभी मैं थोड़ी देर इधर ही रहूँगा, क्योंकि मुर्गी को मैंने इधर छोड़ा है, तो ये दो वैसे तो कहते कुछ भी नहीं, वो छोटे चूजे सारा दिन सारी रात खोले रहते हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं कहते। लेकिन अगर एक मुर्गी नहीं है तो उसको देख के क्या पता ये थोड़ा सा पंगा करे, तो इस वजह से मैं इधर ही बैठूंगा ताकि कोई ये मस्ती ना करे जी। तो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।